हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट वन इज कायरल ओआर कायरेलिटी। ओ आर नॉट एंड कर दीजिए। ओके, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कायरल एंड कायरलिटी, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कायरल क्या है, कायरलिटी क्या है, इसको समझते हैं फटाफट। ये कार्बन की चार वैलेंसी होती है, सबको पता है, और इससे मैंने जोड़ दिया डिफरेंट डिफरेंट, मान लीजिए एटम या ग्रुप, राइट, दिस वन, और एक मॉलिक्यूल और हमारे पास ले लेता हूँ जिससे एटलीस्ट दो सेम टाइप के, ठीक है, एटम को ऐड किया है मैंने, क्लियर। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर एक दूसरे का सामने मिरर लगा दिया जाता है। मिरर देन क्या होता है, मिरर मिरर एक दूसरे का इमेज बनाएगा। ओके, सी इस साइड होगा और उसके बाद इधर डी होगा। ओके, इधर ए और इधर बी, इसका मिरर इमेज बना देते हैं। ये सी, ये वाला सी, इसको वन, इसको टू कर दे रहा हूँ, ये वन, इसको टू। ओके, ऊपर ए और इधर बी। तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसमें सभी चारों के चारों एटम जो है डिफरेंट है, ए बी सी डी टाइप के। आप लगा सकते हैं सी एस थ्री, सी ए डब्लू एच, एच ओ एच, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया कायरल। में बता रहा हूँ कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। देन आप यहाँ पर ध्यान देंगे, और ये दोनों, इन दोनों में से कौन से कायरल हैं इसको ध्यान देना है। इस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है, आप देखिए, इस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज है, आप इसे, इस मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसे बिल्कुल ऐसे पकड़ करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ो और इसको उठा करके इसको कवर करो, ओके, देन क्या पता चलता है कि इस सी को देखो, इस उंगली के पास, इस फिंगर के पास सी है, इस फिंगर के पास डी है। अगर आप इसे उठा करके, ठीक है, आप इसको कवर करने जा रहे हो, तो आप देखो सी डी को कवर करेगा और डी सी को कवर करेगा। ओके, मतलब ये पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब ए से, ए और बी, ए और बी से कवर हो जाएगा, लेकिन सी डी को कवर करेगा और डी सी को, ठीक है, मीन्स ये एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है अपने मिरर इमेज पर, इस मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं, मीन्स ये मॉलिक्यूल जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, हिंदी में अध्यारोपित न होना इसको बोलते हैं। ओके, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो पर उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो पाए, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। ओके, अगर आयन होगा तो आयन, कायरल मॉलिक्यूल या आयन, क्लियर। कायरल मॉलिक्यूल या आयन किसे कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल या आयन को जो एक दूसरे का मिरर इमेज तो हो पर सुपर इम्पोज ना हो, एक का मिरर इमेज दूसरे पर सुपर इम्पोज ना होता हो, क्लियर। ओके, अब ये कायरल मॉलिक्यूल होगा। अब हम कहेंगे जो कायरल मॉलिक्यूल ना हो कैसे पता चलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इस एग्जांपल को समझिए आप। इससे अगर आप उठाकर, इसे देखिए, एक दूसरे का मिरर इमेज है, आप इससे उठाइए, इस यहाँ पर एक सी वन, यहाँ पर एक सी टू है, आप इसको उठा करके इस पर रखिए, तो आप देखिए कवर हो जाएगा। वो बात अलग है कि सी वन सी टू मैंने अलग किया है ताकि यहाँ फिगर दिखाया जा सके कि पहले का सी वन का इमेज
पास में बनेगा और सी टू का इमेज दूर बनेगा। लेकिन जब आप उठा के कवर करोगे इसको, उठा के कवर करोगे दूसरे मॉलिक्यूल को, मिरर वाले को, मिरर इमेज को, तो दोनों कवर हो जाएंगे। ओके, दोनों सी को कवर करेंगे और ए ए को कवर करेगा और बी बी को कवर करेगा। ओके, मीन्स कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है मिरर इमेज जरूर है, लेकिन मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज भी हो जा रहा है, मतलब कवर भी कर दे रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फन माया, कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा? पहली बात कि एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। ओके, और जो खास बात यह है कि वो मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर। आप इसमें रोटेशन वगैरह करके देख लो, तब पर भी, रोटेशन वगैरह के बाद भी इस पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर आयन्स होंगे तो कायरल आयन। ओके, खास बात इसमें क्या था? इसमें खास बात यह था कि इसके कार्बन की चारों वैलेंसी जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स ओआर ग्रुप्स से आप कंपीट करते हो तो कायरल मॉलिक्यूल बनेगा। और कायरल मॉलिक्यूल ही आपको पता होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ओके, कायरल मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्लियर? और इन कायरल मॉलिक्यूल की, ई कायरल मॉलिक्यूल के पेयर को, इन दोनों पेयर को हम लोग एक नए टर्म के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इनेंसियोमर। क्या बोलते हैं इसको? इनेंसियोमर। ओके, इनेंसियोमर क्या होता है? फरमा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का एक इमेज जो दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो, एक दूसरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनेंसियोमर। क्लियर? समझ में आया बातें? अच्छा, कायरल कंपाउंड बताया मैंने, कायरल मॉलिक्यूल बताया क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल या आयन क्या होता है, मैंने बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो पर सुपर इम्पोज ना हो, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो, कायरल मॉलिक्यूल या आयन कहलाएंगे। ओके, कायरल मॉलिक्यूल या आयन की खूबी है कि वो ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, राइट? ओके, और इनके पेयर को हम लोग इनेंसियोमर कहते हैं। अब मामला यह है सर, कायरलिटी क्या होती है? कायरल मॉलिक्यूल होता है और कायरलिटी क्या होता है? इस मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी कि वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं पर एक दूसरे पर कवर नहीं होते हैं या सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कायरलिटी। सो आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात, कायरलिटी क्या है। कायरलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके, जिसकी वजह से वो कायरल है। ठीक है, समझ में आया? सो इसी को बिल्कुल समराइज करके मैंने लिखा है, आई होप इसी को समझ में आया होगा, कायरल एंड कायरलिटी। यहाँ पर क्लियर करते हैं, कायरल एंड कायरलिटी। अ मॉलिक्यूल और आयन इज कायरल इफ इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, इसको आप अंडरलाइन रखेंगे, सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज। ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जो मिरर इमेज पर क्या हो, सुपर इम्पोज ना होते हों। एंड दिस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड कायरलिटी। ओके, मॉलिक्यूल कायरल कब होगा? जब वह सुपर इम्पोज नहीं होगा अपने मिरर इमेज पर। एंड दिस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? कायरलिटी। फर्दर मोर, अ कायरल मॉलिक्यूल और आयन एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमर्स। एक कायरल मॉलिक्यूल जो होता है दो स्टीरियो आइसोमर्स में होता है, दो स्टीरियो आइसोमर्स के फॉर्म में मौजूद होता है, राइट? दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनेंसियोमर। ओके, एनेंसियोमर मतलब इन दोनों पेयर को हम लोग क्या कहेंगे? एनेंसियोमर। ये एक दूसरे क्या है? इनेंसियोमर। फरमाया 50% इसमें क्या होता है इनेंसियोमर में? 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म का मिक्सचर बोल सकते हो आप। सॉरी, इसको तो रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है, वेरी सॉरी, इनेंसियोमर आप इसे बोलेंगे। ठीक है, एक डायस्टीरियोमर होता है, मैं इसको समझाऊंगा। इनेंसियोमर क्या होता है? क्लियर हुआ? सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कायरल क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, ठीक है, और जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी मैंने बताया कि जो कायरल
काइरल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, डोंट फॉरगेट, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ओके। और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ओके। सो मेरी ओर से आज के लिए इतना ही, आई होप ये आपको समझ में आएगा, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।